सभी लोगों को, सभी जनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं अमृता स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे और आपके चैनल पे अमृता लाइफस्टाइल एंड फूड पे। तो आप सोच रहे होंगे कि ये आग मैंने क्यों जलाई है। तो आज जो है मैं इस पे भूनने जा रही हूँ मक्की कह लीजिए, भुट्टा कह लीजिए। तो जो आग पर भुना हुआ होता है ना, उसका सोंधापन बहुत अच्छा होता है, तो स्वाद बहुत अलग होता है। चाहती तो इसे गैस पर भून लेते, लेकिन आज मन नहीं करा। आज प्रसाद का आनंद लेना है, तो भुट्टे को आप जो है कंडियों पे, आग पे या कोयले की आग पे जो है भूनिए। उसका स्वाद बिल्कुल डिफरेंट लगता है, एक सोंधापन लगता है और बहुत अच्छा लगता है। और कभी कभी टेस्ट को ऐसे ही चेंज कर लेते हैं। तो मुझे ज़्यादा अच्छे से भूनना तो नहीं आता, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ और बहुत अच्छे से मेरी मक्के जो हैं, भुट्टे जो हैं, वो अच्छे से मेरे भून रहे हैं। और आप देखिए, और यहाँ गांव में तो यही एक फ़ायदा होता है कि हम हर सीज़न में हर चीज़ का स्वाद समय से पहले भी मतलब ले लेते हैं। जैसे बाज़ार आता है सामान, तब स्वाद लेते हैं। ये सब मेरे अपने ही खेतों का है, जो सामने खेत है, मैं गई थी टहलने तो आपको दिखाई थी। तो ये उन्हीं खेत के भुट्टे हैं, तो जो भी आए हैं। तो ऊपर से बरसात भी हो रही है, देखिए आंगन गीला पड़ा हुआ है। तो मैंने सोचा लाओ तो बस इसको भून के ही खाया जाए आज। और जो है बहुत अच्छा लगता है सब लोग के साथ बैठ के इस तरह से भूनते हुए। अब मक्की भूनते रहिए और बातें करते रहिए तो अच्छा लगता है। थोड़ा सा क्वालिटी टाइम होता है ना कि स्पेंड हो जाता है सबके साथ, और बहुत मज़े, बच्चे भी इंटरेस्ट लेते हैं कि हाँ चलो कुछ हो रहा है, तो हम लोग भी उसमें जो है देखते हैं, जो हेल्प है वो कराते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो गांव में तो भुट्टा इसी तरह से मोस्टली इसी तरह से भुना जाता है। मेरे यहाँ तो चूल्हा है नहीं, तो चूल्हे पर तो जो है हम लोग खाना नहीं बनाते हैं, बनाते तो गैस पे ही हूँ। लेकिन कभी कभी जो है अगर भुट्टा वगैरह भूनना होता है तो इस तरह से भून लेते हैं, तो थोड़ा सा स्वाद भी चेंज हो जाता है, थोड़ा माहौल भी अच्छा हो जाता है। सब लोग बैठ जाते हैं आराम से और आराम से बैठ के आनंद लेते रहते हैं भुट्टों का। तो आइए आप लोग भी मेरे साथ जो है एंजॉय करिए इसको। और देखिए जो ये समय होता है ना, वो फिर वापस नहीं मिलता है। तो इन सब भुट्टों को मैं अच्छे से झाड़ ले रही हूँ। ये जो है जो भी थोड़ी सी राख वगैरह होती है ना, इसके अंदर चली जाती है, तो सब साफ हो जाता है। ये लीजिए भुना हुआ भुट्टा, खाइए, बिल्कुल बरसात का आनंद लिया जाए इन भुट्टों का। हमारे हल्की हल्की बारिश हो रही है। चलिए शाम हो गई है, बच्चे अब पढ़ने के लिए बैठ गए। ये शैतानी करने में सबसे आगे है, इसको तो बोलना पड़ता है लेकिन इसे नहीं कहना पड़ता है। तो बैठ के अपना पूरा कर लेता है। तो बच्चे इधर अपना काम कर रहे हैं और मैं इधर अपना काम कर रही हूँ। और अभी चीनी जो है इस पर गिर गई है, गैस चूल्हे पे चाय बनाते वक्त, तो इसको मैं अभी साफ कर लूँगी। और ये मैंने गोभी और आलू की सब्जी का जो है बनानी है, तो वो मैंने काट के धुल के इसको बॉयल होने के लिए चढ़ा दिया है। गर्म पानी में तो धुलना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए मैंने थोड़ी देर के लिए इसको गर्म पानी में रखने के लिए गैस पे चढ़ा दिया है। जब हल्का सा थोड़ा सा उसमें बॉयल हो जाएगा ना, हल्का गर्म हो जाएगा तेज़ पानी, तेज़ आँच पे, तो फिर उसको उसी में छोड़ देंगे हम। पहले मैं गैस साफ़ कर लूँ। बच्चे ने चाय बनाई और बिल्कुल जो है उसको गिरा उड़ा के उसको साफ़ कर लेते हैं। जब तक वो साफ़ नहीं रहता ना, तब तक मेरा खाना बनाने का बिल्कुल मन नहीं करता है। तो मैं जब भी बनाने आऊँगी तो एक बार तो हाथ मार ही लेती हूँ, जो तक थोड़ा सा हल्का सा पोंछ देते हैं। और फिर मैंने अपना दूध जो है इस पर दूध वगैरह भी चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए, जो शाम को दूध आता है। हमारे यहाँ दूध शाम को आता है, सुबह नहीं आता। तो जो है इसीलिए उसको दो बर्तनों में अलग अलग करके रखते हैं और जो है तब गर्म करते हैं। और ये बैठा हुआ था नीचे, तो इसको मैंने एक स्टडी टेबल लेके पढ़ लूँ, तो ये पढ़ रहे हैं फिलहाल। तो इनको पढ़ने देते हैं और हम चलते हैं काम करने। तो खैर आज सब्जी वगैरह भी धुलनी है। अभी हमारी सब्जियाँ आई हैं, ताज़ी ताज़ी सब्जियाँ हैं, और ये भी मार्केट से आ रही हैं। तो इन सबको मैं पहले वॉश कर लूँगी, क्योंकि अभी वॉश करके रखने में बहुत अच्छा होता है, ध्यान रहता है। ध्यान अगर भटक भी जाए तो कि चलो धुला नहीं है, लेके काट लिया, ऐसा नहीं हो पाता है। पहले से धुला है, साफ़ सुथरा किया हुआ है, जब मन चाह निकाल लिया और इस्तेमाल कर लिया। तो इसको मैं इसको ऐसे ही सेल्फ पे ही जो है इसको फैला देती हूँ। और ये जो है यहीं पर हल्का इसका पानी जो है वो सूख जाएगा, क्योंकि मैंने फ़ैन भी लगा रखा है, तो फ़ैन से पानी वगैरह सब सूख जाएंगे।
और बाकी और सब्जियां हैं, परवल वगैरह है, कुंदरू है, परवल है, इन सबको भी मैं सबको वॉश कर लेंगे। मेरी याद है कि जो भी सब्जी आएगी उसको हम पहले एक बार जरूर वॉश कर लेते हैं। वॉश करने से ठीक रहता है तो गंदगी निकल जाती है, पता नहीं कहाँ कहाँ की गंदगी, कहाँ की धूल मिट्टी सब से आई हुई है, तो वो सब साफ हो जाता है तो सही लगता है जो है। और हमें बनाने में भी आसानी होता है कि बस निकाल लो और हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सबका पानी निकल जाएगा अच्छे से, सूख जाएगा, उसके बाद ही इसको फ्रिज में रखेंगे। क्योंकि अगर अभी तो बरसात की गीली सब्जियां हैं, अगर इसको ऐसे ही रख दिया तो सब्जी ख़राब हो जाएगी। तो इन सबको मैं अभी यहीं पर फैला दे रही हूँ, जब इसका पानी सूख जाएगा तब इस्तेमाल होगा। और जो भी आलू है, प्याज है, सबको जो है शाम को जब सब्जियां वगैरह आती हैं तो काम काफ़ी शाम के समय, हमारे पास ऐसा नहीं है कि सुबह ही काम होता है, काम हमारे पास शाम को भी बहुत ज़्यादा होता है। तो आलू और गोभी तो पानी में बिल्कुल हो चुका है, उनको गर्म पानी में खोल के पानी में मैंने छोड़ दिया था और अभी वो उसी में है। अभी जब तक ये प्याज हल्का ब्राउन होगा ना तब तक मैं सब मैं उसे खाऊँगी। और ये रात का खाना है तो मैं लोहे की कढ़ाई जो है इसमें बना रही हूँ, और लोहे की कढ़ाई सबसे बेस्ट होती है खाने के लिए। तो आप लोग भी इस्तेमाल करिए अपनी लोहे की कढ़ाइयों का, ज़्यादा जो है उसको दिखाने के चक्कर में आप कहते हैं ना उसको, तो हम लोग नॉन स्टिक वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो ना करिए जितना कम से कम हो सकता है। मैं इसका इस्तेमाल जो है कर ले, ज़्यादा कर लेती हूँ, कम इस्तेमाल में इसका करती हूँ। तो ये सब्ज़ी वगैरह है, थोड़ी सब्ज़ी थोड़ी सी इसमें डालने से लोहे की कढ़ाई बनाने से तो मैं इस सोना बनाते हैं लेकिन थोड़ा कलर डाउन हो जाता है। तो भाई कलर का क्या करना है, पौष्टिक चीज़ें पेट में जानी चाहिए, सही जो लगने चाहिए लोहे के बर्तन में बनाइए बेस्ट है। तो मैं जल्दी में इसी यही कढ़ाई इस्तेमाल करती हूँ। और ये हमारे रात का खाना है, मैंने अपना खाना निकाल लिया है। अब इसमें लूँगी मैं हरी मिर्च। हरी मिर्च तो मेरी फेवरेट है, जब तक हरी मिर्च नहीं लूँगी तब तक नहीं। तो इसलिए बस आइए आप लोग भी मेरे साथ डिनर कर लीजिए। कुछ खास तो मैंने नहीं बनाया है, बस जो बनाया है यही है। तो बस जो है इसको हल्का फुल्का खाना खा लीजिए रात में, ये मैंने बनाया है। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग तो फिर हमें फिर वही सब काम होते रहते हैं। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग का ही है, ये बच्चे सब स्कूल चले गए हैं और सब खाना वगैरह मेरा बन चुका है, दाल चावल और सब्जी बन रही है। तो इसी को मैं निकाल के रख रही हूँ दूसरे बर्तन में, क्योंकि ये लोहे की कढ़ाई फिर से मैंने सवेरे इस्तेमाल किया है, क्योंकि मोस्टली मैं लोहे की कढ़ाई का ही इस्तेमाल करती हूँ बनाने के लिए। एक तो जो है सही रहता है बनाने में, थोड़ा सा जलता भी कम है, और बाकी कढ़ाइयों का क्या है वो थोड़ा जल जाता है तो उसको रगड़ना पड़ता है। इसको जो है रगड़ना है लेकिन इतनी ज़्यादा वो नहीं रहता है और काम भी बहुत अच्छे से हो जाता है, तो मैं इसको यही इस्तेमाल करती हूँ। और फिर सुबह के समय जितनी जल्दी रहती है, जो मिल गया बर्तन उसी में बना लो, क्या है खाना है तो बस यही है। थोड़ा सा कलर थोड़ा सा अलग हो जाता है लेकिन अच्छा रहता है। तो साग है, हरी पत्तेदार सब्जियाँ, हरी सब्जियाँ तो मैं मोस्टली कोरिए की कढ़ाई में ही बनाती हूँ, और आप लोग भी उसी का इस्तेमाल करते हो। और आप लोग कौन सी कढ़ाई का इस्तेमाल करते हो तो प्लीज़ मुझे बताना। खाना वगैरह सब बन चुका है, सब झाड़ पोछ चुकी हूँ, अब मैं कर रही हूँ चींटियों का इंतज़ाम। मेरे घर में इतनी चींटियाँ हैं ना, इतनी चींटियाँ पता नहीं कहाँ से वो किचन में घुस गई हैं कि उसने बिल्कुल बिल बना रखा है। और उसकी वजह से देखिए किनारे किनारे ना उसने बिल्कुल खोद दिया है। रोज़ जब झाड़ू लगा रही थी, तीन चार दिन से मैं देख रही थी, रोज़ मिट्टी निकल रही, रोज़ निकल रही। मैंने कहा आज तो मैं इसका परमानेंट इलाज कर लूँगी। तो मैंने सवेरे सवेरे ही उनसे सीमेंट मंगवाया, और मंगवाने के बाद में जब सब लोग चले गए तो मैंने आराम से बैठ के जितने भी छेद दिखाई पड़े ना मैंने सब में सीमेंट भर दिया है। अब इसको थोड़ी देर के लिए बचा के रखना है, नहीं तो चींटियाँ हैं गीले पे आके फिर उसको कर देंगी, तो उसको देखना होगा। बहुत परेशान करती हैं, बहुत ख़राब लगता है यार कि जो है ज़रा जितना भी साफ़ सुथरा किया रहो किसी न किसी कोने में थोड़ी सी मिट्टी ला के रखते, मिट्टी हो जाती है तो बहुत बुरा लगता है। तो मैं ये बहुत दिन से आज लगभग एक हफ्ते से मैं देख रही थी ये तमाशा, तो मैंने इसको कहा कि आप तो मैं आज इसका परमानेंट इलाज करके ही रहूँगी। तो भाई और घर में मैं भर रही हूँ खुद से, तो मेरे पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट तो है नहीं, तो मैं हाथ से ही भर ले रही हूँ। ठीक है थोड़ा हाथ रहता है, मैं तुरंत साफ कर लूँगी भाई, पहले इनसे तो निजात मिल जाए। तो बस इसको जो है भर ले रहे हैं, और एक दो जगह और था तो मैंने उसको भी भर दिया है। तो अब चींटियाँ, भगवान करे चींटियाँ अपना परेशान करें तो उसमें बिल बना के बैठ जाती हैं। और एक साथ तो जानते ही आप लोग कि आपके घरों में भी बरसात के समय बहुत चींटियाँ आती होंगी,
और बिल्कुल बिल बना के रहती होंगी, तो अंदर सब साफ़ सुथरा हो ही चुका है, तो जो डस्ट है वगैरह ये सबको मैं बाहर फेंक देती हूँ, तो वही मैं फेंकने गई हूँ। और मोस्टली ये काम जो है सवेरे ही हो जाता है, लेकिन आज सुबह नहीं हो पाया, तो अभी लगभग 9:30 बज रहे हैं, तो इस टाइम जब सब कुछ साफ वाफ कर चुके हैं, तो मैंने कहा चलो इसको भी अभी फेंक दूँ, शाम का क्या इंतज़ार करें, तो अच्छा नहीं लगता है ना रखा हुआ है, तो उसको मैं भी फेंकने गई हूँ। और ये हमारे घर के सामने में बहुत काफ़ी दूरी पे जो है एक जगह है, वहाँ सब लोग डालते हैं, तो मैं वहीं पे फेंक आऊँगी इसको भी, वहीं गई हूँ फेंकने। आप लोग बताइएगा कि जो है आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, भाई सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आप जो है मैं आपसे क्या बताऊँ, दिन भर का बस हम लोग का रोज़ का यही काम रहता है, तो मैं आपको आपके साथ अपनी डेली रूटीन ही शेयर करती हूँ, तो डेली रूटीन में जो होता है वही मैं दिखा रही हूँ। तो जो है आप लोग बताइएगा कि आपको मेरे वीडियोज़ कैसे लगते हैं। देखिए बरसात का सीज़न है तो थोड़ी सी महक आ जाती है, तो हमारे यहाँ बाहर की चारपाई है, इस पर सब बैठते हैं, उठते हैं, तो दरी बिछाते हैं, तो जो दरी है वो थोड़ी सी जो है उसमें लग रही थी नमी जैसी, तो इसको मैं आज धूप है तो उसको डाला थी। वैसे धूप सब दिन है, किसी दिन भगवान बरसता ही नहीं है, पानी बरसता ही नहीं है, तो इसको मैं यहीं पर डाल देती हूँ, थोड़ा सा धूप लग जाएगा तो अच्छा सही रहता है। और तो बरसात के सीज़न में ना जब तक आप अच्छे से नहीं एक आध बार धूप लगा देते हैं किसी भी चीज़ में, कपड़ों में या बिस्तर में, तो थोड़ी स्मेल कर जाती है, तो ये सब जो है बचने के लिए अच्छा है कि धूप है तो इसका इस्तेमाल कर लें, तो वही मैंने सबको धूप में डाल दिया है। अब उसके बाद चलते हैं पेट पूजा करने के लिए, भाई सुबह से बहुत काम हो गए तो थोड़ा सा खा पी लिया जाए, तो मैं वही सोच के नीचे उतरी हूँ, कह के अब कुछ नहीं करूँगी, अब तो सिर्फ मैं पहले जाऊँगी नाश्ता करने के लिए, तो मैं पहले कुछ खा लेती हूँ फिर उसके बाद करती हूँ। तो मैं गई हूँ नाश्ता लेने के लिए, तो नाश्ते में बहुत ज़्यादा नहीं मैंने बनाया है, रोटी और कुंदरू की सब्ज़ी। रोटी मैं अपने लिए बनाई हूँ क्योंकि मैं पूरी पराठे से अभी परहेज़ कर रही हूँ थोड़ा सा जो है, तो बस आपके लिए भी जो है ले आई हूँ। और आइए हम सब लोग बैठ के जो है नाश्ता कर लेते हैं। और मैं मोस्टली जो है मुझे नाश्ता करते हुए 11 बज जाते हैं, तो बस जो है अब मैं अपना नाश्ता करती हूँ, और आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे वीडियो कैसे लग रहे, मेरा लाइफस्टाइल क्या है, कैसा लगा आपको। और मैं जो है रोज़ आपके कमेंट्स का इंतज़ार करती हूँ, तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और थोड़ा सा कमेंट भी कर दीजिए। और बस आज के लिए इतना ही है, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में नई वीडियोस के साथ, नई कुछ रेसिपीज के साथ साथ। और तब तक के लिए मैं लेती हूँ आपसे विदा, तब और अब बस आप लोग जहाँ कहीं भी रहिए खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए और हंसते रहिए। तो बस जो है अब नाश्ता कर लेते हैं, फिर उसके बाद बच्चे आ जाएंगे तो उन लोगों को भी देखना है, तो बस ठीक है। अब मेरे पास अब आज के लिए बस इतना ही, आप लोग बने रहिए हमारे मेरे चैनल के साथ, मेरे साथ बने रहिए, बस मैं यही चाहती हूँ कि बस रोज़ आपकी और हमारी ऐसी ही मुलाकात होती रहे। और चलते हैं अपने दूसरे कामों के लिए, तब तक के लिए बाय।